हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जोचना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक रियल मी का फ़ोन है जिसपे दोस्तों पासवर्ड लगा है। उसका मॉडल नेम है दोस्तों RMX2027 है, यानी कि ये रियल मी C3 का मोबाइल है। उसका मॉडल नंबर को और एक बार कंफर्म कर लेते हैं। आपको इमरजेंसी पे *899# टाइप करने के बाद उसका मॉडल नंबर शो हो जाएगा। ये देखिए, ये उसका मॉडल नेम है RMX2027, उसका मॉडल नेम है, यानी कि रियल मी C3 है। आज हम इस वीडियो पे दोस्तों आपको रियल मी C3 का पासवर्ड अनलॉक UOFI बॉक्स के थ्रू ISP मेथड से कैसे होगा इस वीडियो पे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, उसका बैक कवर को पहले हम ओपन कर लेते हैं और मदरबोर्ड को ओपन करके ISP जम्पर करके उसका अनलॉक करते हैं। यहाँ से मदरबोर्ड को ओपन करने के बाद SMD में थोड़ा सा हीट देकर आप यहाँ से जो टैप है यहाँ से धीरे धीरे से आप ओपन करेंगे, केयरफुली से जितने हो सके ओपन करेंगे, क्योंकि इस टैप को दोबारा आप पेस्ट कर सके। ये कम्प्लीटली ओपन होने के बाद माइक्रोस्कोप में इसका ISP जम्पर हम करेंगे। आप इसी तरह से कटिंग करके उसका ISP फाउंड करेंगे और पूरी सेफली से आप यहां से ISP जम्पर करेंगे। यहाँ से जो डाटा का लाइन है वो ग्लू से कवर्ड है। आप इसी तरह से एक माइक्रो सोल्डिंग आयरन से उस ग्लू को धीरे धीरे से हटाएंगे, तो इससे आपकी कोई ट्रैक भी मिस नहीं होगा और आपकी जो डाटा का लाइन है वो 100% शो हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये उसका डाटा का लाइन है और ये उसका CLK है और ये उसका CMD है। इसी तरह से आपको CLK, CMD और डाटा का लाइन को यहाँ से ISP से थ्रो कनेक्ट कर देना है, जंपर कर देना है और ग्राउंड को डबल वायर से कनेक्ट कर देना है। ISP जम्पर हो जाने के बाद आप उस जो ISP अडाप्टर है UOFI की बॉक्स के साथ कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट कर देने के बाद आपकी PC में UOFI EMMC टूल को ओपन करना है और डायरेक्टली EMMC पे चेक लगा के यहाँ से सीधा आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये कम्प्लीटली हमारी जो Realme C3 का मॉडल है हम कम्प्लीटली आइडेंटिफाई ले चुकी है। यहाँ से जो C3 है
वो यहाँ से ब्रांड नेम और मॉडल नेम यहाँ से शो नहीं होगा, शायद इस पे लेटेस्ट सिक्योरिटी की वजह से शो नहीं हो रहा है, उस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आप यहाँ से यूजर पार्ट में जाकर आप जिस तरह से ओप्पो की अनलॉक करते हैं उसी तरह से उसका अनलॉक करेंगे। यहाँ से स्पेशल टैक्स में जाकर जिस तरह से ओप्पो का अनलॉक करते हैं उसी तरह से आप यहाँ से ओप्पो की मास्टर क्लियर कर देंगे। यहाँ से दो ही मास्टर क्लियर डाउन हो जाएगा, अदरवाइज़ जो मोबाइल हमारी अनलॉक करते हैं मास्टर क्लियर करते हैं उस वक्त एक ही मास्टर क्लियर डाउन होता है, लेकिन रियलमी C3 पे आपकी दो ही मास्टर क्लियर डाउन हो जाएगा। मास्टर क्लियर डाउन हो जाने के बाद आपको यहाँ से छोटा सा डंप बैकअप ले लेना है, क्योंकि रियलमी C3 का डंप हमको फ्यूचर में बहुत ही काम में आएगा। तो इसी तरह से आपको डंप को बैकअप लेना है, इसी तरह से एरर आए तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप यहाँ से दोबारा इसको रीड कर सकते हैं क्योंकि रिज्यूम कैपेसिटी है। डंप को बैकअप ले जाने के बाद हम यहाँ से चेक करेंगे हमारी मोबाइल का जो पासवर्ड था वो सही तरह से ओपन हो गया या नहीं हुआ। यहाँ से जो ISP जम्पर हमने किया था उसको सेफली से यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो डाटा का लाइन हमने स्क्रैच कर जो डाटा का लाइन को ओपन किया था उसी को UV ग्लू से हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ग्लू पेस्ट करने के बाद दोस्तों UV लैम्प से इसको 5 मिनट्स तक आप इसी तरह से सुखा देना है। 5 मिनट्स के बाद ये ग्लू हमारी कम्प्लीटली हार्ड हो जाएगी और हमारी जो डाटा का लाइन है वो 100% कवर हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी ग्लू कम्प्लीटली हार्ड हो गई है और हमारी जो डाटा का लाइन है वो सिक्योर सेफली से कवर हो गई है। अब हमको जो हीटिंग का टैप हमने ओपन किया था उसी को सेफली से इसी तरह से आपको लगा देना है, और लगा देने के बाद अब हम मोबाइल को चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कम्प्लीटली जो वाइप डाटा हो रही है ये हमारे रियलमी C3 का मोबाइल कम्प्लीटली अनलॉक हो गया है दोस्तों। आज के लिए इतने हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।